नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। छह राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा। मन चाही गाड़ी, बंगला, पैसा, जो चाहोगे वही होगा। दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म में कई सारे देवी देवता होते हैं, लेकिन इन सब में शिव जी यानी कि भोलेनाथ को सबसे अधिक शक्तिशाली देवता माना जाता है। यही कारण है कि भारत में सबसे अधिक मंदिर भी शिव जी के हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए करोड़ों भक्त रोज उनकी पूजा आराधना करते हैं। ऐसे में शिव जी सभी पर एक साथ अपनी कृपा दृष्टि बरसाने की बजाय समय समय पर सभी को इसका लाभ देते हैं। इसी बात का ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको ऐसी छह राशियों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके ऊपर जल्दी ही भोलेनाथ की कृपा बरसने वाली है। इस बार ऐसा महासंयोग बन रहा है जिससे खास तौर पर इन चार राशियों को विशेष लाभ मिलने वाला है। वैसे तो इन चार राशियों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन अगर बात की जाए राशि के बारे में तो दो राशियों का मिला जुला असर रहने वाला है। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि रहेगी और इनको हर प्रकार के लाभ मिलेंगे। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं छह राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा। मन चाही गाड़ी, बंगला, पैसा, जो चाहोगे वही होगा। राजयोग की वजह से भगवान भोलेनाथ की कौन सी वे राशियां हैं जिन पर उनकी दृष्टि रहने वाली है और उनकी किस्मत चमकने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें और लाइक भी करें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी सभी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं इन चार राशियों के बारे में और उसके बाद उन दो राशियों के बारे में जिनको मिला जुला सा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे उन चार राशियों की जिनकी शुरुआत बहुत ही शानदार होने वाली है, उन्हें खुशखबरी मिलने वाली है। पिछले कुछ महीनों में कोई खास काम निपटाने की कोशिश कर रहे थे तो वह काम अब पूरे हो जाएंगे और इस दौरान आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे मेष राशि के बारे में। दोस्तों, मेष राशि वालों को मेरी सलाह है कि सोमवार को सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ को याद करो और उनके समक्ष अपनी मनोकामना रखें। बस इतना करने मात्र से आपकी काफी सहायता हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुभ है और आपके लिए भाग्यशाली साबित होने वाला है। इसके साथ ही आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वे पूर्ण हो जाएंगे और बिजनेस में नई नई योजनाएं बनने लगेंगी। पार्टनर से सहयोग और पैसे भी मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन खुशहाल से भर जाएगा और भाई और परिवार वालों से ज्यादा समय आपको मिलेगा और भाइयों और परिवार का आपको पूर्ण साथ भी मिलेगा, और इस वजह से आपको परिवार और भाई और बहनों का से अपनत्व का महसूस भी होगा। आपके लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं छह राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा। मन चाही गाड़ी, बंगला, पैसा, जो चाहोगे वही होगा। है नेक्स्ट राशि यानी कि दूसरी राशि के बारे में। दूसरी राशि है कर्क राशि। इस राशि के लिए लोगों की लाइफ बहुत ही शानदार रहने वाली है। सभी दुख इस वक्त आपके समाप्त हो जाएंगे और आपकी राशि के लिए बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। मैं आपके जीवन में चल रही समस्या दूर होने की सभी कामनाएं करता हूँ और अपने आपके दूर होने वाले सभी संकटों के लिए आपको सराहना भी देता हूँ। इस दौरान आप कोशिश करेंगे तो आप सफल भी अवश्य हो जाएंगे और आपका मन चाहा काम पूरा हो जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य दृष्टि से भी यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कर्क राशि वाले सोमवार को अगर शिव जी को अगरबत्ती जलाते हैं या एक अगरबत्ती शिव जी को अर्पण करते हैं तो उनकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी। जो भी इनका कार्य है जिस कारण में आप सफलता पाना चाहते हैं उसके बारे में आप अगर प्रार्थना करते हैं तो आपको वह बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाएगा। अविवाहित लोगों की बात की जाए तो इस समय में उनको नए नए रिश्तों के ऑफर मिलेंगे और आपके लिए आने वाला समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। ज्यादातर काम के मामले में आपको खुशखबरी मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, जो कि राशि है कन्या राशि। इनके लिए आने वाला समय इस समय पैसों के मामले में भाग्यशाली होने वाला है। पैसों से संबंधित आपकी हर प्रकार की समस्या परेशानी दूर हो जाएगी। इस समय आपके लिए धन आगमन के नए द्वार खुलेंगे। साथ ही यदि आप किसी चीज में पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं तो इस समय में निवेश कर सकते हैं। सबसे उत्तम समय आपके लिए यही रहने वाला है। आपके लिए इस समय के दौरान आपके पुराने फंसे हुए पैसे आपको मिल जाएंगे। इस बात का पूरी तरह से योग बन रहा है। कुल मिलाकर कहें तो कन्या राशि वालों को इस दौरान चांदी ही चांदी होने वाली है। आपको अगर उपाय के बारे में बात की जाए तो आपको यह कार्य अवश्य करना चाहिए। आपको सोमवार को शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो आपके सारे सोचे हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। साथ ही बात की जाए
सफलता के बारे में, तो अभी तक आप जोखिम भरे हुए समझौते लेने से बच रहे थे, तो इस समय आपको ऐसे समझौते मिलेंगे और आप इसमें सफल भी हो जाएंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है। अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ पैसा है तो आपको इस समय वापस मिल जाएगा, और जहां कहीं भी आपका पैसा अटका हुआ था वह भी आपको वापस मिल जाएगा। जल्दबाजी में आप खुद का नुकसान करवा सकते हैं, और अगर आप कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो इस समय में शुरू कर दो। इसके बाद अब हम बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि की। अगली राशि जो भाग्यशाली रहने वाली है वह राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए पैसों के मामले में आने वाला समय बहुत ही अच्छा है। अगर आपको कोई परेशानी चल रही है तो वह इस समय में दूर हो जाएगी, साथ ही आपके कार्य पूर्ण होंगे। अभी तक आपका जो काम अटका हुआ था वह अब खत्म हो जाएगा। थकान की वजह से जो कार्य आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे वह इस समय आपको कर पाएंगे। आपके अंदर की सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो और चाहे वो परिवार के लिए। आपकी राशि के लिए यह समय अच्छा होने वाला है। बस आपको सलाह दी जाती है कि आप हो सके तो सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। इसके बाद हम बात करते हैं अगली राशि की, जिसे भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होने वाली है, जिसे खुद भोलेनाथ अपना आशीर्वाद देने वाले हैं। वह भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि के बारे में लोगों को नौकरी और बिजनेस के लिए लाभ मिलेगा। यदि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। साथ ही अगर बात की जाए उन लोगों के बारे में जो लोग अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला समय बेहतर तो रहेगा ही, और भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। हो सके तो आपको एक कार्य करना चाहिए, कुंभ राशि वाले सोमवार के दिन भोलेनाथ के नाम का जाप करें। इसके लिए आप चाहें तो इनके मूल मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यह आपके लिए काफी असरदार रहेगा, इससे आपको भोलेनाथ की पूर्ण कृपा मिलेगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली राशि के बारे में जिसे भोलेनाथ की कृपा मिलने वाली है, तो आइए जानते हैं वह कौन सी राशि है। दोस्तों वह भाग्यशाली राशि है सिंह राशि। दोस्तों सिंह राशि की बात की जाए तो आपके लिए जो भी पुराने विवाद चल रहे थे इस समय में खत्म हो जाएंगे। भोलेनाथ की आपको विशेष कृपा मिलेगी। अगर बात की जाए बिजनेसमैन के बारे में, अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। अच्छा खासा फायदा आपको मिलेगा। अगर कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है। सेहत के मामले में बात की जाए तो सेहत संबंधी सभी परेशानियां दूर होंगी और आप हर कार्य में सफल होंगे। पैसों के मामले में तो टेंशन लेना छोड़ ही दे, क्योंकि पैसों से संबंधित सभी परेशानियां आपकी इस समय खत्म हो जाने वाली है। इस समय आप अपने अंदर एक नई प्रकार की ऊर्जा का अनुभव करेंगे, और आपके लिए हर प्रकार की स्थिति सामान्य होगी। आप हर प्रकार की स्थिति में अपने आप को सहज महसूस करेंगे। आपको आने वाला समय में बहुत ही अच्छे अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। इन अवसरों का आप लाभ उठाएं और हर प्रकार से सफलता को भी प्राप्त कर पाएंगे। अगर बात की जाए अचानक धन लाभ के बारे में, तो आपको अचानक धन लाभ के योग तो बन ही रहे हैं, ताकि आपकी इसमें आपको सैलरी भी बढ़ सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है या आपका बिजनेस भी आगे बढ़ सकता है। आने वाले समय में आपको एक नहीं बल्कि कई बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। आपके लिए अच्छे अवसर आपको आएंगे और आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आप अच्छा और मीठा बोलकर अपने कार्य किसी भी समय पूरे कर लेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किन किन राशि को भोलेनाथ की कृपा मिलने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली अवश्य लिखें। दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें हमें इजाजत, धन्यवाद, और हर रोज अपना राशिफल हमारे इस चैनल पर देखना ना भूलें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली भी अवश्य लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दें हमें इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।